यदि हमारी कोई SIP है या हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कुछ टाइम से वो बंद हो चुकी है, तो यदि हमें उसको दोबारा शुरू करना है तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपने UTI म्यूचुअल फ़ंड की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है और इसका जो माई पोर्टफोलियो है इसके अंदर जाना है। माई पोर्टफोलियो में जाने के बाद में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इसमें दिखाई देगा। जैसे मान लो आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया था और कुछ महीनों से आपका जो SIP है वो नहीं कट रही है और आप उसको दोबारा से शुरू करना चाहते हो, या फिर उसी का जो अमाउंट है, जैसे मान लिया आपने पहले 2000 की SIP की थी और उसको अभी आप बढ़ाना चाह रहे हो, 5000 करना चाह रहे हो, 10000 करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो मैंने ये UTI म्यूचुअल फ़ंड का एप्लीकेशन खोल लिया है और अभी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ इसमें 200-400 रुपये पड़े हुए हैं। तो जो भी आपके म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको इसमें दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, जिस म्यूचुअल फ़ंड में आपका इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो आप राइट साइड में देखेंगे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे और परचेज पे जाएंगे। परचेज में जाने के बाद में आपने जिस म्यूचुअल फ़ंड में पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसी ही म्यूचुअल फ़ंड में आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना है। तो जैसे मान लिया आपने पहले 2000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट था, तो पहले आपने इक्विटी सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में स्कीम का नाम सेलेक्ट करना है। तो जिस UTI की स्कीम का में आपका पहले इन्वेस्टमेंट था उसी को ही आपको दोबारा से वही चूज़ करना है। तो जैसे मान लिया हमारा UTI फ्लैक्सी केयर फंड में है तो UTI फ्लैक्सी केयर फंड सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर आपको प्लान सेलेक्ट कर लेना है। अब प्लान के अंदर है एक डायरेक्ट प्लान है जो पे आउट मतलब इसमें डिविडेंड मिलता रहता है, एक डायरेक्ट प्लान री इन्वेस्टमेंट होता है कि आपका जो भी आपका जो पैसे आपको मिले डिविडेंड के रूप में वो वापस री इन्वेस्ट हो जाएंगे, और एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है तो इसमें कोई डिविडेंड वगैरह नहीं मिलता है। तो आपने उसमें से किसी भी को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में आपको जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जैसे मान लिया आपने पहले 2000 कट रहे थे अब आपको 5000 रुपये कराने हैं, तो आप 3000 रुपये इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी 2000 से फिर ये 3000 हो जाएंगे। 3000 होने के बाद में आपको इसको सबमिट कर देना है। तो पहले आपको ये टर्म जो कंडीशन है इनको सेलेक्ट करके और प्रोसीड कर दे। प्रोसीड करने के बाद में इंटरनेट बैंकिंग यदि आपके पास है तो आप उससे इसके अंदर पेमेंट कर सकते हो। तो आप जब इसमें आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपकी नेक्स्ट 5000 रुपये आपके इसमें कटना शुरू हो जाएंगे। तो गाइज यदि आपका ने 2000 के SIP थी और अब आपको 5000 करना है तो आप 3000 ऐड कर सकते हो, तो नई SIP आपकी 3000 की शुरू हो जाएगी। और इसमें डेट वही सेलेक्ट करना है जो आपने पहले वाली जो SIP आपकी जिस डेट पे थी वही डेट इसमें सेलेक्ट करनी है। और यदि आपकी SIP आपने 2000 की SIP कर रखी थी और बीच में बंद हो गई है तो दोबारा से आप एक न्यू SIP उसमें शुरू कर सकते हो, तो वापस से आपके पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।